अगर आपका बच्चा भी CDS और NDA की तैयारी कर रहा है सेना में जाने के लिए, तो आपको बता दें कि CDS और NDA की परीक्षा दो तरह से होती है। एक होती है लिखित और दूसरा ही होती है SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू जो कि 5 दिनों तक चलता है, क्या इसे बिना अंग्रेजी के पास नहीं किया जा सकता? यही जानने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं विंग कमांडर सुशील वाजपेयी के पास। सर, आप विंग कमांडर सुशील वाजपेयी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट तौर पे भी रहे हैं और यहाँ के कोचिंग हेड हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि SSB की तैयारी कैसे करें और प्रोसीजर क्या है। जी मैडम, होता क्या है कि देखो, बच्चा जब रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है, रिटर्न तो बहुत बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसके बाद SSB, क्योंकि SSB एक दुनिया का सबसे बड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर है जो कि 5 दिन पूरा चलता है और इसका जो रिकमेंडेशन रेशियो है खाली 3% है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बच्चे को, मतलब चारों तरफ से उसकी पर्सनैलिटी पूरी चेक करके, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि मनसा जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है और वाचा जो कि एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर लेता है और कर्मणा जो कि एक GTO ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर लेता है, ये तीनों के अपने अपने टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस में इस बच्चे की साइकोलॉजी निकाली जाती है, उसका बिहेवियर पैटर्न देखा जाता है और फिर उस बिहेवियर पैटर्न को कन्फर्म किया जाता है जब वो ग्राउंड में कैसे बिहेव करता है, अगर वो भी उसके साथ मैच कर जाता है। और फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होता है वो उससे सवाल करके, उससे इंटरव्यू लेकर, उससे बातचीत करके एंड उसकी साइकोलॉजी और उसका बिहेवियर पैटर्न निकालता है। जब तीनों एक साथ मैच हो जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कर दिया जाता है कि वेदर इसको रिकमेंड किया जाए या ना रिकमेंड किया जाए। नहीं, होता तो इंग्लिश में है कि देखो, कितना भी हो इंग्लिश का एक इम्पैक्ट तो रहता ही है, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन जैसे जब आता है तो ग्रुप डिस्कशन में वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है कि इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन जब भी डिस्कशन हो रहा होता है, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे डिस्कशन कर रहा है तो ऑब्वियस हो जाता है कि हिंदी मीडियम वाला उसकी डिस्कशन को या तो समझ नहीं पाता या उसके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं उसको काउंटर करूँ। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा तो इफेक्ट है, जिसका हम लोग यहाँ पे भी पूरी कोशिश करते हैं कि उसका स्पोकन इंग्लिश बढ़ाएं, उसके अंदर डिटर्मिनेशन लेके आएँ, उसके अंदर करेज लेके आएँ कि मतलब बोले, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, लेकिन कोशिश तो करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ट्रेनेबल है। अगर उसको ठीक से नहीं आती है तो ट्रेनिंग के दौरान इसको ठीक किया जा सकता है। तो मतलब इसके बेसिस पे किसी को रिजेक्ट भी नहीं किया जाता, लेकिन बच्चे के अंदर वो भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं दब रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को। तो आज से ही अपनी इंग्लिश पर काम करना शुरू कर दें। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।